अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। सबसे अच्छा ये लगा कि जब से उम्रा करके आया हूँ तो लाइफ हैज चेंज अलॉट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इफ्तार पार्टी की आप लोगों के साथ ही शुरुआत की थी आज। तो बिग फोर है, एक किताब है मेरा गाना जो अगले महीने रिलीज़ हो रहा है इंशाल्लाह। देन देर इज़ तंद्री, शॉर्ट फिल्म है डायरेक्टेड बाय शुभम माथुरकर। देन देर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड ठहर जा, तो हम लोग 2019 से ठहरे हुए to do our next song and finally we are here to do this and it's sung by Benny Dyal. It's his first non-film song. It's been a long na sitting in front of media. Yeah. तो Benny Dyal का पहला non-film music album है और प्रीतम दादा की जो company है Jamet, उसने उनके साथ collaborate किया music production के लिए। मुदस्सर खान साहब direct कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं और सना डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, बिकॉज सना अल्हम्दुलिल्लाह ने जो ऐसे यहाँ से ऐसे जंप मारी है, तो अभी वो सोच रहे थे कि क्या दिया जाए इनको इतना स्पेशल। तो ये सॉन्ग मेरे लिए बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ यू नो बजट से लेकर यू नो इंडिपेंडेंट सॉन्ग के हिसाब से। तो आई थिंक आई लव माई फ्रेंड्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विद दैम, आई कीप वॉन्ट टू वर्क विद दैम। सो या एंड देन देर इज़ कोहिनूर। कोहिनूर मेरी पहली वेब सीरीज एज अ प्रोड्यूसर, साथ में मेरे हैं करण सिंह चौहान जो उसको को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एलिगेंट फिल्म प्रोडक्शन है मयूरी जी, श्रेयस गावंडी प्रोडक्शन टीम में। तो हाँ ये सब है, ये ज़्यादा बिग फोर मेरे लिए। तो कोविड भी तो था बीच में। तो वो असल में ऐसे हुआ कि आप जगह बनाने के लिए वक्त तो लगता है बड़े भाई, तो वही हुआ। कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं, हमको थोड़ा वक्त लग गया, बिकॉज म्यूज़िक के माध्यम से अगर आप चल रहे हो ना, तो मैं सफल नहीं हो रहा। सना बखूबी जानते हैं कि मैं बहुत सारे कामों में इंडल्ज नहीं होता हूँ, मुझे वन स्टेप एट अ टाइम ज़्यादा पसंद है। एंड यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी आल्सो, सो वी मेक श्योर कि वो स्लो करे बट एट द सेम टाइम जब कुछ आए तो बहुत बढ़िया चीज़ निकल कर आए। सो इट्स मोर अबाउट क्वालिटी फॉर हिम देन क्वांटिटी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी ऑफ अशर। तो बस यही है। और चूँकि आपको यू नो एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, व्हेन आई यूज टू सेल्फ प्रोड्यूस माय सॉन्ग्स यू नो फंडर्स मुझे नहीं रहते थे, तो आई यूज टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और ये मेरा 10वां गाना है ठहर जा, इट्स माय 10th सॉन्ग। तो आई थिंक ये जर्नी अच्छी रही, 5 साल 10 गाने, आई थिंक वो फिटूस हो गया बराबर। समझ नहीं शूटिंग अभी हम करेंगे। अभी हमने शूटिंग की ये तो हमने सोचा कि आपके सामने बैठ के हम अनाउंसमेंट करेंगे कि ये गाने का टाइटल है, ये हीरोइन है, ये डायरेक्टर है। तो उस लिहाज से एक्साइटेड बहुत हूँ, क्योंकि अशर के साथ जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स में से मेरा पहला सॉन्ग मोहब्बत था अशर का, अब तक वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और जब ऐसी टीम रहती है उसके बाद तो क्या ही बोलूँ, उसने इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई की मेरी, इतना मुझे मोटिवेट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलसल बहुत काम करते आई हूँ। सो फर्स्टली थैंक यू अशर, सबके सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जब एक लाइन कोई बोलता है ना कि यार सना तू स्टार है, वो अशर ने मुझे स्टार्ट में बोल दिया ना, बस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फिर से मेरा लकी चार्म के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और शूटिंग के हवाले से जब हम नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे रिलीज के दौरान, तब हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जरूर। एंड नो बट दिस इज ए लकी चार्म के चार्म कुछ नहीं है, इस बच्ची की मेहनत है। राइट फ्रॉम द डे वन आपको एक एसेंस आ जाता है एक आर्टिस्ट के अंदर, और इतनी मेहनती रही है हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा चल रहा है बट ये गोवा में शूट कर रहे हैं, कभी कहीं शूट कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, फ्लाइट में रास्ते में खाना खा रहे हैं, तो आई थिंक वो डेडिकेशन ऊपर वाला भी देख रहा है। और 2 times नेशनल अवार्ड विनर यार, मतलब इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। तो हमारे लिए माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि हमारी दोस्त इतने आगे बढ़ी, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि वापस हमसे जुड़ रही है, साथ में बढ़ेंगे दोस्त। वी आर शूटिंग इट नेक्स्ट मंथ, ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह हम प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, एज पर अभी तक हमारा जो प्लान रहा है डायरेक्टर साहब के साथ, क्योंकि हमारी भी खोज जारी है कि सना के साथ हम किसको ले इस गाने में, कौन सा चेहरा ले, क्योंकि मुझे तो डांस नहीं आता है। इसके पहले आप पूछे तो मैं बता दूँ, इट्स अ डांस नंबर, इट्स अ रोमांटिक डांस नंबर, और मैं बड़ा ही वाहियात डांस करता हूँ। तो मैं जी, तो मैं उनके साथ एक सरप्राइज़ है गाने के अंदर इंशाल्लाह, वो बताऊंगा, बट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप लोगों ने ही मोटिवेट किया था मेरे पहले गाने को, जो मेरा पहला गाना था सहर। ऑल ऑफ दीस पीपल, आई थिंक मैं हमेशा मीडिया को क्रेडिट देता हूँ कि ये लोग अक्षर भाई आप क्यों नहीं गाना कर रहे हो, वसीम भाई लाइक अक्षर तुम करो, तो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट सॉन्ग वी डिड टुगेदर। सुपर। बर्थडे की बात है, कुछ हुआ हो, कुछ मिला हो?
गिफ्ट यही है सबसे खूबसूरत गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह. सो स्वीट. जी शूटिंग इसका मुंबई में है चूँकि गाने का जो वाइब है बहुत फ्रेश है अभी तक, मतलब सना ने भी जब सुना और वेरी अर्बन वेरी मॉडर्न, सो आई थिंक मुंबई विल बी अ वेरी गुड लोकेशन. यस यस डेफिनेटली. और जब अभी रिसेंटली मुदस्सर भाई के साथ जब मैंने गाना शेयर किया तो उनका भी है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कॉपीड ना लगे. थोड़ा वक्त लग जाता है गाना बनाने में, पर थोड़ा कॉपीड ना लगे उस लिहाज से बनाता हूँ. तो थोड़ा अर्बन है, थोड़ा यू नो मॉडर्न टच है गाने के अंदर. और प्रीतम दादा की टीम है तो उन्होंने बहुत बाकमाल काम किया है. एना रहमान ने, शुभम शिरोले ने, काव्य कृति ने इसका फीमेल वोकल दिया. और बैनी दयाल साहब का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद उन्होंने जस्ट वन कॉल पे उन्होंने मेरा गाना सुना. और वो लंदन से आए और लंदन से उन्होंने लैंड किया मुंबई में और उनको भयंकर जेटलैग हुआ था. वो डायरेक्टली स्टूडियो आके रिकॉर्ड किया था. आई थिंक दैट्स द एग्जांपल ऑफ हाउ अ बिग स्टार और अ बिग आर्टिस्ट शुड बी. वन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड वन इज सिंगिंग एंड वन इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा इज डायरेक्टिंग इट. आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. जी तो शॉर्ट फिल्म जो है तंदरी, ये मेरे मित्र है शुभम माथुरकर साहब जो एक बहुत ही बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट है, राइटर है. तो मेरे होम टाउन से अमरावती से तो हम काफ़ी जानते हैं एक दूसरे को. इन्होंने रिसेंटली डिवाइन जो रैपर है इनके म्यूज़िक कंपनी में दो म्यूज़िक एल्बम्स भी डायरेक्ट करे हैं 100 RBH के लिए. तो ये फिल्म जब मैंने उन्होंने मुझे दिखाई पिछले साल एंडिंग में तो मैंने उनको तभी प्रॉमिस किया था कि यार ये मैं ही रिलीज़ करूँगा. तो उस वक्त तो ये फेस्टिवल्स भी थी. अब फाइनली उन्होंने मुझे मौका दिया कि अशर भाई अभी नाउ वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. तो तंदरी इट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा है. लॉकडाउन के दौरान शूट करी गई थी और मराठी है. तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम एज अ महाराष्ट्रियन रीजनल्स को भी आगे बढ़ाएं, नॉट जस्ट हिंदी मराठी को भी हम आगे बढ़ाएं. तो इस लिहाज से और कोहिनूर जो है एक क्राइम ड्रामा है बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज. तो उसके बारे में इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता क्योंकि अभी वी आर ऑन अ राइटिंग स्टेज. और बट हाँ वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि बड़ी चीज़ बनने को थोड़ा वक्त लगता है, तो बट साल के आखिर तक इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएगा. वो तो उन पर डिपेंड है, डेट्स मिल गई तो कर लेंगे, जरूर कर लेंगे हम. हम 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं, 1 साल के बाद मिल रहे हैं तकरीबन 1 साल. यस यस यस. वी ओनली मेड एट फैमिली डिनर्स. आई गो टू मीट माई डियरेस्ट आंटी जी, अम्मी जी और एंड अंकल जी एंड शी इज जस्ट देयर के हां यू कम एंड ईट एंड गो. इन शॉर्ट वी आर फैमिली. या तो ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह. सो बट वी वांटेड टू शूट बट वो एक हो जाता है ना कि बीपराग साहब हो गए, शेरीमान साहब हो गए, इतने जिनको हम विनोद देखते हैं और इंस्पायर होते हैं उनके साथ जब कंटिन्यूसली काम करें. तो आप भी ये सोचते हो ना कि एज अ फ्रेंड यू वॉन्ट टू गिव समथिंग बेटर. तो बस उसी बेटर का इंतजार था ना. इंशाल्लाह विल डू इट. पहले करेंगे उसके बाद किताब तैयार है. किताब अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट प्रोडक्शन में. किताब पोस्ट रिलीज मैं कर रहा हूँ, ईद के तुरंत बाद उसको रिलीज कर रहा हूँ मैं. और बाय द टाइम किताब की रिलीजिंग की तैयारी शुरू होंगी विल डू द प्री प्रोडक्शन फॉर टहल जा. और साथ ही साथ कोहिनूर के 3 एपिसोड्स भी हो चुके हैं, तंदरी भी आ रही है. तो मतलब सब एक के पीछे एक है. आप दुआ करें कि इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाए. शुक्रिया. उनके राइटर है, वन ऑफ द फेमस पोएट्स ऑफ इंडिया. कोहिनूर की स्टोरी लिख रहे हैं, डायलॉग्स लिख रहे हैं. शुभम तंदरी फिल्म के डायरेक्टर है जो शॉर्ट फिल्म है. और कोहिनूर के अंदर स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का. फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए. कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए. आए हैं दोस्तों, ये जो वैसे तो मैं साहित्य लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, शायरी मेरे रगों में है. और ये जो कोहे नूर की बात हुई, OTT पे जो फिल्म बहुत अच्छी आने वाली है, एक वेब सीरीज, दरअसल इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो मध्य प्रदेश और मालवा की सरजमीन है और वहाँ की कहानी है. जो एक 21 साल का लड़का है जो बहुत यंग है और एक वो एक गैंगस्टर बन जाता है और उसको पूरा समाज पूरा यूथ फॉलो करने लगता है. उस पर बेस्ड मूवी है. चूंकि मैं साहित्य और शायरी से जुड़ा हूँ और हमारे प्रोड्यूसर साहब चाहते थे कि इसमें एक फ्लेवर साहित्य का भी हो, एक अदब का भी हो, तो मैंने भी अपने मुशायरे और कवि सम्मेलन को थोड़ा साइड लाइन करके जिस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दिया है. इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इसमें शायरी को भी यूज़ करने की हमने कोशिश की है कि उसमें
कुछ कैरेक्टर ऐसे हों जो बेहतरीन साहित्य और शायरी को भी प्रमोट करें। काश मिल जाता कभी कोई अपने पन से कहीं, मेरा स्वागत हुआ चाकू से कहीं गन से कहीं। तो इस तरह के वहाँ पे संवाद और इस तरह के जुमले हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जिसको सुन के जो सामईन है, जो ऑडियंस है, वो एक तरह से साहित्य की तरफ और अदब की तरफ भी थोड़ा सा रजू हो, बस ये कोशिश है। आप भी डायलॉग लिख रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसा सब्जेक्ट? अभी तो रिसर्च ही चालू है उसके ऊपर, बाकी तो सतलज साहब के साथ रह रहे के सीख रहा हूँ जो भी है साहित्य के बारे में। और अंधे के बारे में बताना चाहूँगा कि उस पर जो लॉकडाउन के टाइम पे जो कंडीशन आई थी आर्टिस्ट पे, कि वो दो दुविधा में फंसा हुआ था कि उसको आर्टिस्ट मारना है या जगह कर रखना है, तो वो दुविधा सॉल्व करने वाली शॉर्ट फिल्म तो अभी फेस्टिवल में जाके आ चुकी है, फिलहाल हम रिलीज कर रहे हैं उस चीज़ को।